तो पहली टिप में हमें एक डीयू की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर फोग का यूज़ किया है छोटा वाला, क्योंकि छोटा वाला फ्रेम में फिट हो जाता है कैमरा के, इसलिए छोटा वाला यूज़ किया है। और एक रूमाल की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप की, पता नहीं इस रूमाल को क्या कहते हैं, लेकिन इस टाइप की रूमाल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए रूमाल का, तो इस टाइप का रूमाल ले लेना। और एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो को रात को शूट किया था मैंने, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मोबाइल पर वाइट वॉलपेपर इंस्टॉल कर लेना, या फिर एक कौन सा भी ऐप ओपन कर लेना जिसका कलर वाइट हो। तो मैंने सेटिंग ओपन कर ली है, इसका कलर है वाइट, तो चल जाएगा कमीज से। उसके बाद कुछ इस तरह का सेटअप आपको तैयार करना है, रूमाल के ऊपर डीओ रखना है और उस पर कुछ वाटर स्प्लैश ऐड करके अपने वाइट वॉलपेपर वाले मोबाइल को एज लाइट यूज़ करना है। उसके बाद तो फोटो क्लिक कर लेनी है, तो फोटो को कर लेते हैं क्लिक। फ़ोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। इस फोटो को मैंने रिटच किया है लाइटरूम में, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वाइट पेपर की और कुछ कलर पेंसिल की। कलर पेंसिल को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है और फ़ोटो को क्लिक कर लेना है। मैंने 1x पर एक फ़ोटो क्लिक की और 2x पर एक फ़ोटो क्लिक की थी, देखा था आपको ये रही। तो फ़ोटो को कर लेते हैं क्लिक। क्लिक के बाद ये फ़ोटो कुछ इस तरह की दिखेगी और मैंने इसको रिटच किया है लाइट रूम में। ये रहा इसका अनदर वर्जन, तो आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ। इस टिप में भी हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, वाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और पेंसिल की इस छिलकी की ज़रूरत पड़ेगी कचरे की, और एक शार्पनर की ज़रूरत पड़ेगी कि छिलकी के ऊपर पेंसिल को या ऐसा रख देना है और फोटो क्लिक करनी है और बैकग्राउंड में एक वाइट वॉलपेपर वाला मोबाइल रख देना है और शार्पनर को इस तरह सेट करेंगे। तो फोटो क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो ऐसे दिखेगी और मैंने इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी बनाया है रहा। तो आपको कौन सा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इस तरह की फ़ोटो मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।